अमेरिका के मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसा भयानक हादसा हुआ कि एक हवाई जहाज में सवार 126 यात्रियों का मौत से ही सामना हो गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना में विमान को क्रैश लैंडिंग तक करनी पड़ी और फिर उसने आग ही पकड़ ली, और वो भी कोई मामूली आग नहीं बल्कि हवाई जहाज जैसी भयानक ज्वाला की गिरफ्त में नजर आया। ऐसा लगा जैसे बेहद ज्वलनशील केमिकल बनाने वाली कोई फैक्ट्री सुलगी हो। रेडियर का ये प्लेन कैरिबियाई देश डोमिनिकन रिपब्लिक से अमेरिका के मायामी आ रहा था। पूरा सफर बिल्कुल आराम से कट गया। प्लेन अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था, एयरपोर्ट सामने था और विमान लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन जैसे ही हवाई जहाज रनवे पर उतरा वो घिसटता हुआ चला गया। क्रैश लैंडिंग की वजह से प्लेन के अगले हिस्से का कचूमर ही निकल गया, जो उसके आड़े आया वो मिट्टी में मिल गया। तेज स्पीड से स्किड करते विमान ने सामने आए एक रेडार टावर को भी रौंद डाला और फिर हवाई जहाज ने आग ही पकड़ ली। उसका बायां हिस्सा आग में धधकने लगा। आनंद फानंद में यात्रियों को दूसरी तरफ से प्लेन से बाहर निकाला गया। लेकिन अचानक प्लेन को क्या हुआ, जो हवाई जहाज कैरिबियाई देश डोमिनिकन रिपब्लिक से अमेरिका तक आराम से आ गया, उसे एयरपोर्ट पर क्या हो गया? तो बताया गया कि प्लेन के लैंडिंग गियर में दिक्कत आ गई थी। लैंडिंग गियर टायरों और कुछ दूसरे उपकरणों को मिलाकर बना प्लेन का वो हिस्सा होता है जिससे विमान टेक ऑफ और लैंड कर पाता है। लेकिन मायामी एयरपोर्ट पर हवाई जहाज के लैंडिंग गियर में ही खराबी आ गई, जिससे पहले तो उसने क्रैश लैंडिंग की और फिर आग पकड़ ली। इससे प्लेन में सवार लोगों को लगा कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता और ये उनकी जिंदगी का आखिरी पल है। मौत की आशंका में लोगों ने एक दूसरे से गले लगना तक शुरू कर दिया, पर शुक्र रहा कि वक्त रहते प्लेन को खाली करा दिया गया और लोग मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच गए। बस 3 लोगों को इस हादसे में हल्की फुल्की चोट आई,